गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे पक्षियों के बारे में। आपको पता है पक्षी किसको बोलते हैं? आपने देखा है पक्षियों को? हम सब ने देखा है। पक्षी कहाँ पर घूमते हैं? अपने पास में ही रहते हैं और बाहर बाहर वो पेड़ों पर रहते हैं। और पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। उनके पैर होते हैं तो भी वो क्या करते हैं? अपने पंखों से उड़ते हैं। उन्हें दो ऐसे पंख होते हैं तो वो पंखों से क्या करते हैं? उड़ते हैं। और इसलिए वो कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। अपने घरों में भी वो अपना घोंसला बना लेते हैं। और खाना कहाँ से खाते हैं? अपनी चोंच से। कहाँ से खाना खाते हैं वो? अपनी चोंच से। और उनकी जो चोंच होती है ना, अपना मुंह है। हम कहाँ से खाना खाते हैं? अपने मुंह से। और वो कहाँ से खाते हैं? अपनी चोंच से। उनके दांत होते हैं? नहीं, पक्षियों को दांत नहीं होते हैं। और वो कहाँ पर रहते हैं? हम घर में रहते हैं तो पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। तो आज हम कुछ पक्षियों के बारे में सीखेंगे। गौरैया, गौरैया नाम की एक चिड़िया है। और ये चिड़िया छोटी है, हमको ये कहीं पर भी दिखती है, हमारे घर के पास भी आती है। और ये पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पर देखी जा सकती है, वहाँ पर ये रहती है। और ये अपना घोंसला अपने घरों में भी बनाती है, पेड़ पर भी बनाती है। और चिड़िया क्या खाती है? दाना। क्या खाती है? छोटे छोटे दाने, चावल के दाने, मक्का के दाने, ऐसे ये चिड़िया क्या करती है? खाती है। और ये इसका कलर कौन से कलर का होता है? ये कौन से रंग की होती है? भूरे रंग की। इसका थोड़ा सा कलर ऐसा भूरा कलर होता है। अब हमने देखा गौरैया के बारे में, अब हम देखेंगे दूसरा पक्षी, कौवा। कौवा कैसा होता है? काला। ये देखो कौवा यहाँ पर दिख रहा है, ये कौवा। कौवा कैसे कलर का होता है? काला। और ये भी हर जगह दिखता है। और ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ों पर। कहाँ पर? पेड़ों पर ये अपना घर बनाता है। और कबूतर, कबूतर एक ऐसा पक्षी है वो सबको हम लोग देखते, सब दूर वो देखा जाता है। और वो अपना घोंसला अपना घर कहाँ बनाता है? किसी के घर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं पर भी अपना घर बनाता है। और ये बहुत शांत पक्षी है, सीधा साधा है, बहुत अच्छा यह पक्षी है। और एक पक्षी हम देखेंगे, वो क्या है? उल्लू। कौन सा पक्षी वो? उल्लू। उल्लू की आंखें कैसी होती है? गोल 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 उसकी आंखें होती है। और ये पक्षी पता है रात को ही उड़ता है। ये पक्षी कब उड़ता है? रात को ही उड़ता है। और यह एक जंगली शिकारी पक्षी है, ये क्या करता है? शिकार भी करता है। और ये थोड़ा सा डरावना भी दिखता है, बच्चे, छोटे बच्चे इसको देख करके डरते भी है। अब सबसे सुंदर पक्षी आपको कौन सा लगता है? ये कौन सा है? मोर, पिकॉक, सबसे सुंदर पक्षी ना। इसको देखो, मोर एक सुंदर और शानदार पक्षी है। इसकी पूंछ लंबी होती है, इस पर हरे पंख होते हैं। मोर के पंख कितने सुंदर है देखो, और पंखों पर हरे, बैंगनी, नीले रंग के गोल गोल धब्बे मंडे हुए रहते हैं। और ये अपने पंखों को पूरी तरह से फैला करके ऐसा सुंदर सा मौसम हो जाता है ना, तब ये क्या करता है? उसमें वो पूरे फैला देता है और फिर अपने पैरों पर खड़ा होकर के ये डांस करता है। और पता है आपको सबसे मेन बात, मोर ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और हम इसकी आवाज़ भी सुनते हैं रोज़, अपने स्कूल में ये मोर आकर के चिल्लाता है। और इसकी आवाज़ कैसी आती है? म्याऊं म्याऊं, इस प्रकार इसकी आवाज़ आती है।
अब एक पक्षी और है, राजहंस एक सुंदर पक्षी है और ये कहाँ रहता है? पानी में। ये कहाँ रहता है? पानी में। और इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और ये कौन से कलर का होता है? सफ़ेद कलर का होता है। और ये भारत में ही मतलब नहीं, परंतु ये दूसरी दूसरी जगह पर भी देखा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर रहता है पता है? जहाँ पर झील या पानी का एरिया रहता है ना, ऐसी जगह में ये पक्षी देखा जाता है। जैसे बतख भी क्या है? ये जल पक्षी है, ये पानी में रहने वाला है और ये हमेशा समुद्र नदी के किनारे, समुद्र के किनारे ऐसी जगह पर ये देखा जाता है। और इसकी चोंच चपटी होती है और पैरों उसके ऐसे झिल्लीदार होते हैं। और फिर ये क्या करता है, समुद्र में रह करके फिर ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मछलियाँ ऐसा पकड़ के ये पक्षी खाता है। तो आज हमने बच्चों पक्षियों के बारे में सुना और आज हमने इसलिए आपको पूरी ये हरियाली दिखा करके मैं बताना चाहती हूँ कि पक्षी यहाँ पर पेड़ों पर रहते हैं और फिर बारिश आती है, उनको बारिश लगती है, तब वो अपने स्कूल में या फिर कहीं पे भी घर में आकर के बैठ जाते हैं। ठीक है।